अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ़िल्टर को फिट करता है। ये देख रहे हो ना आप लोग कि फ़िल्टर हमने नीचे से ऊपर ले आया और अभी इसको फिट कर रहा है। और उसके बाद फिर हमें आपको बकवास बताऊंगा कि बकवास किस तरह लगाना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें रमल किस तरह डालना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर ढक्कन किस तरह फिक्स करवाना है। ये आप लोग ये वीडियो आखिर तक देख लें ताकि आप लोग ये हर चीज़ देख सके अपनी आंखों से, और साथ ही घंटी का बटन दबाए। और हमारा ये चैनल एम शार्ट टीवी सब्सक्राइब करें, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से महसूल हो जाए। तो चलो आ जाओ, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह फिल्टर को फिट करते हैं। ये देखो, हमने नया फिल्टर लगा रहा है। ये अभी तक प्लास्टिक में है, अभी इसका प्लास्टिक हम उतार दे रहे हैं। ये देखो, हमने प्लास्टिक उतार दिया। अभी इसको, इसके बाद इसको सबर कर, इसका प्लास्टिक हमने उतार दिया। अभी इसको सही तरीके से रखेगा ताकि ये हिले ना। ये बात आप ज़रूर रखें कि इसको सही तरीके से रखना है ताकि ये हिले ना। अब आगे देखो, आज हम बकवास के बारे में बताता है। ये देखो, अब ये नया बकवास आया हुआ है, साथ ही हम बकवास बताते हैं कि बकवास किस तरह लगाना है। हमने बकवास का तरीका भी आपको बता रहे हैं साथ साथ। ये देखो, हम आपको बकवास लगाने का तरीका बता रहा है ताकि आप लोगों को समझ आ सके सही तरीके से। हाँ, अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दे, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो हम आपको दोबारा बताएंगे, दोबारा वीडियो बना के हम आप लोगों के लिए बनाएंगे। लेकिन पहले आप लोग ये वीडियो देख आखिर तक, कि इसमें हम आपको बताएगा कि किस तरह फिल्टर लगाना है, उसके बाद हमने बकवास फिट करवाना है, फिर आगे उसका ढक्कन किस तरह हमने फिट करवाना है। ये सब आपको इस वीडियो में हम बताएगा, तो हमारे साथ रहिए। और हमारा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो ये अब हम आपको फिल्टर फिट करवाने का तरीका बता रहा है। ये इंशाल्लाह आधा हो गया, अब आधा फिल्टर बाकी है। ये देखो, हमारे साथ रहिए। ये देखो, अब थोड़ा सा बाकी है, इसको हम अभी टेट करवा रहा है। इसके बाद हम ऊपर का ढक्कन लगाएगा। ये देखो, हम ऊपर का ढक्कन लगा रहा है। अब ये है ऊपर का ढक्कन, ऊपर ढक्कन हम टेट करेगा। इसका हर नट हमने टेट करवाना है, एक भी लूज नहीं होना चाहिए। अगर एक भी लूज होगा तो ये फिर ख़राब होगा, लीक करेगा। तो ये हम इसका ऊपर ढक्कन टेट करवा रहा है, और उसके बाद हम इसका ऊपर वाला गड़ी लगाएगा जिसका हमें प्रेशर बता सके कि इसमें इतना प्रेशर है। तो इसका तो हो गया, अब है अब ऊपर वाला गड़ी हम बताते हैं। आ जाओ, ये देखो, हमने ढक्कन टेट करवाया, ऊपर वाला गड़ी भी लगाया, और ये फाइनल हो गया। देखो, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।